केरल के वायनाड जिले में पहाड़ी इलाकों में भारी भूस्खलन की खबर सामने आ रही है, जहां 3 बच्चों सहित 24 की मौत की सूचना मिली है, जबकि 400 लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। यह घटना मंगलवार को तड़के मेपड्डी के पास हुई। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में पहला भूस्खलन लगभग 2 बजे हुआ, बाद में लगभग 4 बजे के करीब हुआ। अग्निशमन बल और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF की टीमों को प्रभावित क्षेत्र में तैनात किया गया। साथ ही NDRF की एक अतिरिक्त टीम वायनाड के रास्ते में है। एक न्यूज एजेंसी के अनुसार वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर बचाव अभियान के लिए सुलूर से रवाना हो गए हैं। इस घटना पर लोकसभा में विपक्ष नेता और वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दुख जाहिर किया। बता दें कि राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मैं वायनाड में मेपाड़ी के पास हुए बड़े पैमाने पर भूस्खलन से बहुत दुखी हूं। मैंने केरल के मुख्यमंत्री और वायनाड के जिला कलेक्टर से बात की है, जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि बचाव अभियान जारी है। मैंने उनसे सभी एजेंसियों के साथ समन्वय सुनिश्चित करने और एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करने और राहत प्रयासों के लिए आवश्यक किसी भी सहायता के बारे में हमें सूचित करने का अनुरोध किया है। मैं केंद्रीय मंत्रियों से बात करूंगा और उनसे वायनाड को हर संभव सहायता प्रदान करने का अनुरोध करूंगा। मैं सभी UDF कार्यकर्ताओं के बचाव और राहत कार्यों में प्रशासन की सहायता करने का आग्रह करता हूं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, वायनाड में भूस्खलन से बेहद दुखी हूं, जहां कथित तौर पर कई लोग फंसे हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं राज्य और केंद्र सरकारों से भी एजेंसियों के समन्वय से राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने और पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने का आग्रह करता हूं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।